भाजपा अंबिकापुर से विधायक प्रत्याशी बनाती है तो पार्टी में होंगे शामिल चिंतामणि महाराज। नमस्कार, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं जी सेवन न्यूज। बलरामपुर जिले की सामरी विधानसभा से टिकट कटने के बाद विधायक चिंतामणि महाराज ने अपनी स्थिति साफ कर दी है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा उन्हें अंबिकापुर से प्रत्याशी बनाएगी तो वह पार्टी में शामिल हो जाएंगे। जी हां, आज की सबसे बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। इसे लेकर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और उनके बीच बातचीत हुई है। सामरी विधायक चिंतामणि महाराज ने श्रीकोट के आश्रम में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखे थे, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक बृजमोहन अग्रवाल पहुँचे थे। दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। इस दौरान चिंतामणि महाराज ने अपनी शर्तें रखी। इसके बाद बृजमोहन अग्रवाल वहां से रायपुर के लिए लौट गए। चिंतामणि महाराज ने कहा कि उन्होंने भाजपा में शामिल होने के लिए अपनी बात रख दी है। अंबिकापुर से अगर उन्हें प्रत्याशी बनाया जाता है तो वह भाजपा में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा उन्हें लोकसभा का टिकट देने के लिए तैयार है। बृजमोहन अग्रवाल ने उन्हें इसकी जानकारी दी। वहीं बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि जो अंबिकापुर से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं वह नाराज हो जाएंगे। इस पर चिंतामणि महाराज ने कहा कि अभी विधानसभा लड़ा दीजिए, 6 माह बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं, तब लोकसभा का टिकट मिलेगा और वो वहाँ चले जाएंगे। आपको बता दें कि भाजपा ने अब तक अंबिकापुर से प्रत्याशी नहीं उतरा है। अंबिकापुर से कांग्रेस के उम्मीदवार डिप्टी सीएम टीएस सिंह देव के खिलाफ प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि सिंह देव की नाराजगी के कारण ही चिंतामणि महाराज का टिकट कटा है। इस कारण चिंतामणि महाराज ने उनके खिलाफ चुनाव लड़ने भाजपा से टिकट की मांग की है। यह भी संभावना जताई जा रही है कि अगर अंबिकापुर में बात नहीं बनी तो भाजपा चिंतामणि महाराज को सामरी से भी चुनाव मैदान में उतार सकती है। हालांकि सामरी से भाजपा ने उदेश्वरी पैकरा को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। सामरी के श्रीकोट आश्रम पहुंचे बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि चिंतामणि महाराज के साथ अन्याय हुआ है, वही उनके साथ न्याय करेगी। चिंतामणि महाराज पहले से ही भाजपा के विचारों से सहमत रहे हैं और आगे भी होंगे। भाजपा ज्वाइन करने को लेकर कहा कि इस बारे में चिंतामणि महाराज से ही पूछिए। आज विधायक बृजमोहन अग्रवाल हेलीकॉप्टर से कुसमी पहुंचे थे और वहां से श्रीकोट आश्रम गए थे। उनके अलावा पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देव साय सहित अन्य नेता भी मौजूद थे। चिंतामणि महाराज टिकट कटने से नाराज हैं। कांग्रेस ने सामरी से विजय पैकरा को प्रत्याशी बनाया है। सामरी विधायक रहे चिंतामणि महाराज के चारों ब्लॉक अध्यक्ष और कांग्रेस जिला अध्यक्ष की अच्छी खासी नाराजगी थी। पूरा संगठन सिंह देव का कट्टर समर्थक है। संगठन और सिंह देव की नाराजगी ही चिंतामणि की टिकट कटने का कारण बनी। अब देखने वाली बात यह है कि क्या भाजपा चिंतामणि महाराज को अंबिकापुर से विधायक पर प्रत्याशी बनती है या फिर सामरी सीट से ही चिंतामणि महाराज को विधायक प्रत्याशी घोषित कर चुनाव लड़वाती है, यह तो अब आने वाला समय ही बताएगा। संवाददाता परवेज खान की रिपोर्ट, जी सेवेन न्यूज। यहाँ पर साधना की है, वहाँ पर माता काली की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और जहाँ माता जी ने साधना की है वहाँ पर माता जी की समाधि बनाई गई है और उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, क्योंकि सनातन की रक्षा के लिए, हिंदू की रक्षा के लिए और इस पूरे क्षेत्र में एक जागरण का काम गाहिरा गुरु जी ने किया था और आज यहाँ पर एक प्रतिष्ठापूर्ण समारोह हो रहा है, उस समारोह में हम भाग ले रहे हैं। चिंतामणि महाराज से आपकी बातचीत हुई, अकेले में क्या बातचीत हुई है और कई अटकलें हैं सामने? नहीं, देखिए चिंतामणि महाराज जी के साथ में जो कुछ हुआ है वो अन्याय हुआ है और वो दुखी हैं, हम उनके दुख में भागीदार बने। न्याय करेंगे? अब न्याय तो कांग्रेस पार्टी में हो है, कांग्रेस पार्टी न्याय करेगी। नहीं नहीं, आप न्याय करेंगे? काफी लंबी बातचीत हुई, कांग्रेस पार्टी न्याय करेगी उनके साथ में। काफी लंबी बातचीत हुई आपकी। भारतीय जनता पार्टी के विचारों से तो पहले से सहमत है और आगे भी सहमत होंगे। कब तक शामिल होने के संकेत है? वो आप उनसे पूछिए। क्या क्या बातचीत हुई है बताएं? हमारी बातचीत क्या हुई वो आपको क्यों बताएंगे? आज के लिए अगर बात करेंगे तो हम तैयार हैं। सिद्धनाथ भैया भी यहाँ पर हैं। हम लोग अगर सब मिल करके लड़ेंगे तो मेरे को लगता है सरगुजा संभाग में बहुत अच्छे स्थान पर रहेंगे। ठीक, थैंक यू सर।